नंबर सिस्टम की बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अगर हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो हम वन से स्टार्ट करते हैं, सो दे आर काउंटिंग नंबर्स। सो ये 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट नंबर तक ये एक्सटेंड होते हैं, दे लास्ट अप टू इंफिनिटी। इनकी कोई एंड नंबर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नंबर सिस्टम का लास्ट नंबर जो है, नेचुरल नंबर्स में लास्ट नंबर क्या है, तो इसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक ये जाते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं अप टिल इन्फिनिटी, उनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और जो सिंबल इनके लिए हम यूज करते हैं वो है एन। नेक्स्ट है होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 भी लगा दें 1 से पहले तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टिल इन्फिनिटी वो हो गए होल नंबर्स। सो उनके लिए हम W यूज करते हैं एज अ सिंबल। ऐसे ही नेक्स्ट है इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या है? दीज आर द नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मतलब अगर हम 0 प्लस वाले नंबर माइनस वाले नंबर सबको एक साथ ले लें तो वो इंटीजर्स में आते हैं। सो उसमें माइनस वाले नंबर का भी कोई एंड नहीं है, प्लस वाले नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है, तो वो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक एक्सटेंड होते हैं। होल नंबर्स जो 0 से बड़े हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और उनके पास पॉजिटिव साइन होता है, और होल नंबर्स जो 0 से छोटे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और उनके पास नेगेटिव साइन लगता है, जैसे -1, -5, -10। उनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये है इंटीजर्स। टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो। रेशो से आता है रैशनल। तो रेशो को हम p by q की फॉर्म में दिखाते हैं। सो जो नंबर्स p by q की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिनको जहां पर p और q कोई भी इंटीजर है, मतलब 0, -1, +1, मतलब माइनस वाले नंबर भी, प्लस वाले नंबर भी और जीरो भी, ऊपर नीचे अगर p और q है उसमें वो आ सकते हैं, सो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। बस नीचे वाला नंबर जो है, डिनोमिनेटर जो है q, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? उनको हम q से डिनोट करते हैं। सो रैशनल नंबर्स होते हैं फॉर एग्जांपल 2/3, 5/7, -4/8, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर 4/0 हमने लिखा तो एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे वाला नंबर कैन नेवर बी जीरो। सो इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? सो नो, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है। जीरो इज एन एडिशन टू नेचुरल नंबर। जीरो एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। नाउ इज एवरी रैशनल इंटीजर अ रैशनल नंबर? हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। सो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर हमने m एक इंटीजर माना, उसको हम m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। सो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस के, माइनस के या जीरो। सो माइनस वाला एक नंबर लिया हमने -1, इसको भी हमने रैशनल बना दिया। प्लस वाला एक नंबर लिया हमने 3, इसको भी बना सकते हैं और जीरो को भी लिख सकते हैं। सो सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है, इज एवरी रैशनल नंबर एन इंटीजर? अगर हम उल्टा देखें कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं 3/5 का। 3/5 एक रैशनल नंबर तो है लेकिन वो एक इंटीजर नहीं है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। सो ये सब चीजें हमें माइंड में रखनी होंगी इफ यू आर स्टडिंग नंबर सिस्टम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।